कि वो हर स्थिति मुझे वो करने के मैं आपके सवाल का एक ही जवाब दे सकता हूं, देश का कानून जीव की टायरों से रौंदा जा रहा है। देश का कानून जीव की टायरों से रौंदा जा रहा है। अध्यक्ष जी, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को गंगा मुक्त प्रदेश की जिले बना दिया है और कानून व्यवस्था का अच्छा उनका भी किया जा सकता। गोरखपुर में जो व्यापारी की हत्या हुई अभी भी फरार हैं, आखिर किसने फरार किया हुआ है उन्हें? जिस आईपीएस पर चार्जेस थे कि उन्होंने हत्या की एक व्यापारी की, वो आईपीएस फरार है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से सबसे ज्यादा नोटिसेस उत्तर प्रदेश सरकार को मिली हैं। कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? और सरकार कह रही है कानून व्यवस्था अच्छी है। जब टायर से ही कुचला जा रहा है कानून, हमें उम्मीद है कि भारत का न्याय और न्याय सुप्रीम कोर्ट भी इसको नोटिस लिया है कि लोगों को न्याय मिले, और सब न्याय चाहते हैं। ये सरकार लगातार भेदभाव कर रही है, भेदभाव सरकार कर रही है। कोर्ट ने कहा यूपी में जंगल राज, अखिलेश यादव ने बात कही। अखिलेश यादव अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने कहा है उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। दिया जा रहा है क्या? जिस पर सवाल खड़े हो, सबने देखा हो, गाड़ी का जानकारी हो गई हो, सब कुछ है, देखा, उसके बाद अभी तक दोषी नहीं पकड़े गए। जिन भी परिवारों से मैं मिला हूं, हर परिवार के सदस्य ने, उनके सहयोगी साथियों ने यही कहा कि जो दोषी हैं उनको सजा मिले, कानून जो सजा देता है वो सजा मिले उनको, और कार्रवाई हो, उन पर सख्त कार्रवाई हो। और सरकार अभी भी सो रही है, सरकार अभी भी बचाना चाहती है। गृह राज्य मंत्री, उनका स्टेटमेंट ये आना कि मैं मंत्री तो हूं, सांसद भी रहा हूं, विधायक भी रहा हूं, लेकिन मैं कुछ और भी हूं। धमकी देना उन लोगों को जो किसान है, गरीब है। ये सरकार जो दावा कर रही है, दमदार सरकार है। दमदार सरकार केवल ताकतवर लोगों के लिए है। किसान जो अन्नदाता है उसके लिए सरकार नहीं है। अन्नदाता को कुचला है, कानून कुचल गया, संविधान की धज्जियां उड़ा दी, और माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? और एक बार नहीं कोर्ट से ये टिप्पणी आई, कई बार कोर्ट ने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई, ध्वस्त है। और उसका परिणाम देख लीजिए क्या है। इसलिए जनता देख रही है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। जनता या किसान, किसान पीड़ित परिवार, जिनके परिवारों सदस्यों की जान गई है, वो चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिले। ये सरकार की जिम्मेदारी है, उन परिवारों को न्याय मिलना चाहिए, जो दोषी हैं उनको सजा मिले। लगता है कि
मैं आपके सवाल का एक ही जवाब दे सकता हूं, देश का कानून जीव की टायरों से रौंदा जा रहा है। देश का कानून जीव की टायरों से रौंदा जा रहा है। अध्यक्ष जी, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को गंगा मुक्त प्रदेश यही जिले बना दिया है और कानून व्यवस्था का इतना अच्छा इंतजाम किया गया है। गोरखपुर में जो व्यापारी की हत्या हुई, अभी भी फरार हैं। आखिर किसने फरार किया हुआ है उन्हें? जिस आईपीएस पर चार्जेस थे कि उन्होंने हत्या की एक व्यापारी की, वो आईपीएस फरार है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से सबसे ज्यादा नोटिसेस उत्तर प्रदेश सरकार को मिली हैं। कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? और सरकार कह रही कानून व्यवस्था अच्छी है। जब टायर से ही कुचला जा रहा है कानून, हमें उम्मीद है कि भारत का न्याय और न्याय सुप्रीम कोर्ट भी इसको नोटिस लिया है कि लोगों को न्याय मिले, और सब न्याय चाहते हैं। ये सरकार लगातार भेदभाव कर रही है, भेदभाव सरकार कर रही है। तो बड़ी बात अखिलेश यादव ने कही कि देश का कानून जीप की टायरों से कुचला जा रहा है, न्याय होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए।